लेसन के अंदर हम लोग फ्लायर डिजाइन करना सीखेंगे फ्लायर जो है ये भी ब्रोशर की तरह एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी को भी हैंड ओवर किया जा सकता है और इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड या कंपनी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है प्रोमोशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है और एडवर्टिजमेंट भी हो सकती है अच्छा फ्लायर के हवाले से आपको मैं बताऊं कि आप लोगों ने अक्सर एक एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अपने घर के दरवाजे में दाखिल हुए और आपने देखा कि ज़मीन के ऊपर एक ऐड जो है वो गिरा हुआ पड़ा होता है या इसी तरह आप अपनी गाड़ी पे किसी चौक पे खड़े हुए हैं और कोई आता है और जल्दी से आपके शीशे के अंदर एक एडवर्टीज़मेंट जो है वो फेंक के चला जाता है ये जो होता है ये बेसिकली फ्लायर होता है और फ्लायर जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट और सोर्स ऑफ प्रमोशन है इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये किसी भी जगह पे किसी भी वक्त आपको जो है वो दिया जा सकता है और ये मास uh, एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत ही अहम जरिया है यानी इसके मदद से बहुत ज्यादा लोगों तक किसी भी एडवर्टाइजमेंट uh, को पहुंचाया जा सकता है और बहुत आसानी अपना मैसेज कन्वे किया जा सकता है एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि फ्लायर आमतौर पे सिंगल साइडेड डिजाइन होता है यानी कि uh, uh, अमूमी इसको जो है वो uh, पेपर के एक साइड पे जो है वो डिजाइन और प्रिंट किया जाता है इसकी जो पिछली साइड होती है या दूसरी साइड होती है वो आमतौर पे ब्लैंक हुआ करती है तो चलें चलते हैं और फ्लायर डिज़ाइन करना सीखते हैं अच्छा जी सबसे पहले हम फोटोशॉप के अंदर डॉक्यूमेंट जो है वो चूज़ करेंगे और जिस तरह हम प्रिंट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो चूज़ करते हैं उसी तरह ए साइज़ जो है वो मैं ले रहा हूँ थ्री रेजोल्यूशन ले रहा हूँ और जो कलर मोड है वो मैं सी एम वाई के ले रहा हूँ क्योंकि फ्लायर भी जो है ये भी मास प्रिंटिंग के अंदर प्रिंट होना होता है और उसके लिए सी एम वाई के ही कलर मोड आप चूज़ करते हैं अच्छा जी तो अब जनाब अली हम वही वाली बात सबसे पहले हम व्यू में आके हम यहाँ से न्यू गाइड लेआउट में जाके कुछ गाइडलाइंस ले, ले लेते हैं मैं यहाँ पे पॉइंट टू इंचज़ के मार्जिन जो हैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ चारों साइड से अपने डिज़ाइन के लिए ताकि मुझे अलाइनमेंट में भी आसानी रहे और मुझे पता हो कि मेरा जो मेन सारा डिज़ाइन है वो इस एरिया के अंदर अंदर रहना अच्छा जी अब मेरे पास जो है वो ये एक लोगो मैंने डिजाइन करके रखा हुआ है ए बी सी ब्यूटी सैलून के नाम से अगेन मैं बता रहा हूँ फर्जी खुद से आप लोगों समझाने के के लिए लिए चूज की हैं चीज़ें आप लोग जब किसी क्लाइंट क्लाइंट करेंगे तो उस क्लाइंट का लोगो आपने जाहिर बात है वहां पे इस्तेमाल करना है अच्छा जी मैंने कुछ पिक्चर्स भी निकाल के रखी हुई हैं पहले से जो कि डेफिनेटली जो ब्यूटी सैलून का टॉपिक है उसी से रेलिवेंट है अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके पेन टूल की मदद से एक शेप जो है वो क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक कर्व्ड शेप जो है वो कुछ इस किस्म की मैं बना लेता हूँ ये मैं किस लिए बना रहा हूँ आप लोगों को अब तक अंदाजा हो चुका होना चाहिए कि ये मैं इसलिए कर रहा करूँ क्योंकि मैं इसके अंदर बाद में इमेज को क्लिप करना चाहता हूँ अच्छा अगर आप के साथ इस तरह से यहाँ पे ये हो तो आपका पेन टूल के अंदर आप कंट्रोल को सिलेक्ट करें और अगर आपको लग रहा है जो आपकी शेप है वो एग्जैक्ट नहीं आई तो उसको आप एग्जैक्ट अपने कैनवस के ऊपर जो है वो फैला सकते हैं बड़ी आसानी के साथ सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना होगा आपको पेन टूल के अंदर जाके अच्छा जी अब मैं ये करता हूँ मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ लेयर को और इसको नीचे लेके आता हूँ और इसका अब मैं कलर जो है वो चेंज करूंगा वो अब मैं कर दूंगा रेड ऑल्ट बैक स्पेस की मदद मतलब से इस वक्त अभी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर एक और लेयर है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको मैं हल्का सा रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो इमेजेस हमने रखे हुए हैं उन इमेजेस में हम जाते हैं और ये जो इमेज मैंने एक मेन अपने लेआउट के लिए सोच रखा है यहाँ पे ये यह मैं इसको लेके आता हूँ ये एक ऐसा इमेज है जो कि सलून का जो काम है उसको बड़े वाजे तौर पर डिफाइन कर रहा है क्लिप मास्क करेंगे हम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसको मैं ये जो शेप मैंने क्रिएट की थी इसके अंदर मैं इसको कर दूंगा जनाब अली क्लिप मास्क ठीक है कंट्रोल टी की मदद से मैं इसकी जो अरेंजमेंट या कॉम्पोजिशन है वो यहाँ पे मैं बना लूँगा अच्छा मैं यहाँ पे ये जो मैंने एक शेप क्रिएट की हुई है इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ ताकि ये जो हाथ वाला इमेज है ये भी नज़र आए और इसी तरह से हम कंट्रोल टी करके हम इन दोनों शेप्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं चलें अब ये जो इमेज है इसको मैं यहाँ पे ला के रखूँगा मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्चुअली ये सारा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे लोगों के लिए जो है वो थोड़ी सी स्पेस बन जाए और इसके साथ साथ ये जो इमेज है ये भी क्लियर हो जाए और इसका मीनिंग जो है वो वाजे हो जाए चलें अच्छा जी अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इस लोगों को जो कि हमने वेक्टर फॉर्म में पहले से बना के रखा हुआ है इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस करते हैं डेफिनेटली एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे अपने लोगों को मैं अब कंट्रोल टी की मदद से थोड़ा छोटा करूंगा और यहाँ पे जो है वो लाके प्लेस कर दूंगा इस तरह से अच्छा जी अब लोगों के पीछे मैं एक शेप जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एक शेप जो है वो मैं इस तरह से कुछ क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ जी वाइट कलर ताकि मेरा जो लोगो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए इन दोनों लेयर्स को मैं कर लेता हूँ लिंक और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा अनलिंक करके ये जो नीचे वाली शेप है इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ लेफ़्ट साइड पे इस तरह से अच्छा जी अब जनाब अली हम क्या करेंगे कि ये जो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनके लिए आपको इमेजेस बाज़ार कुछ ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि जो इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं जिनका काम जो है वो दिखना चाहिए तो वो हमेशा ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर से कि वो ज़्यादा इमेज उनके काम के या उनके सैलून के या उनके बिजनेस के दिखाएं तो लिहाजा हम यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड करेंगे मैं यहाँ पे क्या करने लगाऊँ कि मैं न्यू लेयर लेता हूँ यहाँ पे आके मैं इलेप्टिकल मार्किंग टूल से यहाँ पे एक सर्कल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं कोई सा कलर जो है वो फिलहाल सेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी की मदद मतलब से मैं इसको डी सेलेक्ट करूँगा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे इसको मैं इस तरह से प्लेस कर लूँगा अब इसी तरह से इसी को मैं कंट्रोल जे करके कंट्रोल जे की मदद मतलब से मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पे लाता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इस नई शेप को पिछली शेप के नस्बत थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और एक और आखिरी कॉपी मैं इसकी ले रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ अब हम क्या करेंगे कि हम इनका डिस्टेंस जो है वो अपनी स्मार्ट गाइड्स की मदद से बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है वो हमारे इन तीनों शेप्स के बीच में है जब आपने इनको एक बार अलाइन कर लिया तो उसके बाद आप कंट्रोल टी करके इनको ट्रांसफॉर्म की मदद से आप इनको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको जो है वो इनको थोड़ा सा मैं क्लोज लेके आता हूँ ताकि यहाँ पे ये मेरा इमेज जो है ये इफ़ेक्ट ना हो अब हमने क्या करना है जी कि हमने इन सर्कल्स के अंदर इमेजेस जो हैं उनको ला के क्लिप करना है तो यहाँ पे जिस तरह से ये एक मैंने हेयर स्टाइलिंग के हवाले से एक इमेज जो है वो ला रखा है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ सबसे पहले वाली लेयर के ऊपर रखता हूँ और इसको मैं करता हूँ क्लिप और अब इसको मैं क्लिप करने के बाद कंट्रोल टी की मदद से यहाँ पे इसको मैं जो है वो प्लेस कर लूँगा अच्छा मैं यहाँ पे इमेज जो है वो सिर्फ बालों का इस वक्त ज़्यादा इन्फोस करना चाह रहा हूँ लिहाजा मैं इसको इस तरह से प्लेस करूँगा इसी तरह से एक दो और इमेजेस मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं इनको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फ़ोटोशॉप में यहाँ पे ड्रैग करने के बाद हम इनको लेके आएंगे इन सर्कल्स वाली शेप्स के ऊपर और कर देंगे जनाब अली क्लिप मास्क आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को क्लिप मास्क और लेयर मास्क की टेक्निक पढ़ाते हुए बताया था जब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर रहे थे कि ये क्लिप मास्क और लेयर मास्क वाली जो टेक्निक्स हैं ये लेआउट बनाते हुए हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो देख लें वो चीज़ जो है वो अब आपको यहाँ पे वाजे होनी शुरू हो गई है अच्छा जी एक इमेज मेरा रह गया है इसको भी मैं लेके आता हूँ ड्रैग करता हूँ ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर अच्छा क्लिप मास करते हुए आप लोगों को एक जो कन्फ्यूजन आ सकती है वो याद रखिएगा कि जिस शेप के अंदर आपने जिस इमेज को क्लिप करना है कोशिश करें कि उसको उसी के ऊपर रख के ही आप जो है वो क्लिप करें ताकि आपका इमेज गलत शेप में ना चला जाए लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से देखना है और इसके बाद आप जो है वो इमेज को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं आई थिंक ये इस तरह से सही है सूटेबल लग रहा है अच्छा जी अब हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे आके नीचे हम एक लेयर ऐड कर देते हैं ब्लैक कलर की ठीक है जी ये ब्लैक कलर मैंने इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पे और इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकें अब यहाँ पे मैं टाइटल देना चाह रहा हूँ तो मैं टी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आके एक मैंने वैसे ही एक कैप्शन uh, सोचा है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट अस गिव यू अ न्यू लुक अच्छा जी पहले तो मैं इस टेक्स वाली लेयर को ऊपर लेके कर आऊँगा और मैं इसको कलर जो है वो दे दूँगा वाइट इसके बाद मैं अब इसको बड़ा करूँगा और इसका फ़ॉन्ट जो है मैंने एक फॉन्ट यहाँ पे चूज़ करके रखा हुआ है बेसिकली सिग्नेचर ये जनाब अली फॉर्ट मैं यहाँ पर इस वक्त यूज़ करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्ट मैंने यहाँ पर चूज़ किया है बड़ा विजिबल है कि ये मैंने क्यों चूज किया है क्योंकि इसकी लुक जो है वो ग्लैमर वाली और ब्यूटी वाली लुक है और ये बिल्कुल इस टॉपिक को जो है वो काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे मैं इसको आगे तीन डॉट्स भी ऐड कर देता हूँ ये हमारा जनाब अली यहाँ पे कैप्शन ऐड हो गया इसको मैंने लेफ्ट लाइन रखा है लोगों के साथ अच्छा जी अब हम जनाब अली यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं यहाँ पे मैं एक शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप बनाने वाला हूँ इस किस्म की और इसको कलर मैं दे दूँगा रेड और बैक स्पेस के साथ इसको मैं रेड कलर देता हूँ कंट्रोल ए करके मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट के सेंटर में अब इसी को मैं डुप्लिकेट करके नीचे कर रखूँगा और इसको मैं एनलार्ज करूँगा और थोड़ा सा टिल्ट कर दूँगा और इसका कलर मैं चेंज करके कर दूंगा वाइट ये आपको मैंने पहले बताया था कि आपको पिक्सल्स को लॉक करना जरूरी है हमेशा याद रखें पिक्सल्स लॉक करेंगे तो आपकी उस एक लेयर में कलर होगा वरना आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कलर हो जाएगा अच्छा जी यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ इस लेयर को मैं ऊपर लेके आता हूँ जी तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेशल पैकेजेस अवेलेबल लेकिन इसको मैं फॉन्ट जो है वो सिंपल मायरेड प्रो दूंगा ठीक है और इसको मैं थोड़ा सा अब बड़ा कर लूँगा मायरेड प्रो को मैं यहाँ पे आके दे रहा हूँ जी बोल्ड क्योंकि ये एक हेडिंग का काम कर रही है यहाँ पे तो लिहाजा इसको मैं बोल्ड के अंदर रख रहा हूँ और स्मार्ट गाइड्स की मदद से ही मैंने उसकी अलाइनमेंट जो है वो कर ली है अपने अंदाज़े से अब जनाब अली हमारे पास यहाँ पे नीचे स्पेस मौजूद है बॉडी टैक्स के लिए ठीक है तो यहाँ पे आके मैं बॉडी टैक्स जो है वो कुछ ऐड कर देता हूँ अच्छा जी यहाँ पे अब हम दोबारा जाएंगे उसी वेबसाइट के ऊपर जिससे पहले हमने जो है वो टैक्स लिया था यहाँ पे आके हमारा जो डमी टेक्सट है इसको चूज़ करते हैं यहाँ पे आके हम कंट्रोल वी करते हैं और इसको हम रेगुलर कर लेंगे और इसका साइज हम कर लेंगे छोटा इसी को मैं कंट्रोल जे करके यहाँ पे निकाल लेता हूँ और इन दोनों को मैं ग्रुप कर लूँगा ग्रुप करने के बाद कंट्रोल ए और इनको दोनों को मैं कर लूँगा अपने डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन अच्छा जी अब इनको मैं बल्कि थोड़ा सा एक दूसरे के करीब लेके आना चाह रहा हूँ इनमें स्पेस जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए अब मैं दोबारा इस तरह से कंट्रोल ए करके इनको जो है वो बड़े आराम से कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छा ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लायर जो है इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक प्रमोशनल मटेरियल है लिहाजा इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा और इसमें काफ़ी डिटेल्स जो हैं वो टेक्स्ट में आती हैं तो आपको बॉडी टेक्स्ट जो है वो बाजूक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ सकता है ये मैंने पैकेज वन पैकेज टू जो है ये इधर लिख दिया और अब हमारे पास रह गई है सिर्फ एक आखिरी चीज़ कि हमने यहाँ पे आके अपना फुटर जो है वो क्रिएट करना है और फुटर क्रिएट करके उसके अंदर हमने दे देनी है जनाब अली वेबसाइट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ अपने मार्जिन से और यहाँ पे मैं आके टाइप करूँगा डब्ल्यू 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 डॉट ए बी सी सेलून डॉट कॉम इसको मैं कलर दे देता हूँ जी ब्लैक और करेक्टर में जाके करेक्टर पैनल के अंदर जाके हम इसकी जो कर्निंग और लीडिंग है उसको हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी जो कर्निंग है ये हम थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं ताकि ये हमारा नीचे जो है वो अच्छा लगे इसके बाद कंट्रोल ए करके दोबारा इसको सेंट्रलाइज करते हैं एंड दैट्स इट नीचे आप यहाँ पे फेसबुक और इंस्टा वगैरह के जो लिंक्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं और भी इस तरह की जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं टेलीफोन नंबर दे सकते हैं कोई भी चीज जो है वो आप फोटर के अंदर आर्ट कर सकते हैं